एग्जाम्स में चीटिंग करते हो तो ये नया लॉ आने वाला है, द पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस बिल 2024 के तहत चीटिंग, पेपर लीक, आपने देखा होगा एग्जाम्स में सीट की एडजस्टमेंट हो जाती है, टीचर्स हेल्प करते हैं, चीटिंग होने पर 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है और मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक का फाइन है। अब स्टूडेंट्स अगर चीटिंग करेंगे तो वो इस लॉ में आएंगे कि नहीं आएंगे, मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो सुनना जरूर। जैसे कि आपने रिसेंटली देखा होगा 5 साल में लगभग 48 इंस्टेंसेस हुए हैं जिसमें 1.5 करोड़ बच्चों तक इफेक्ट करा है जो अपना सपना पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, यूपीएससी, जेईई मेंस, नीट, एसएससी की तैयारी करते हैं और वो पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो रेलवे का हो चाहे बैंकिंग का हो। 1 लाख से ज्यादा पोस्ट के एग्जाम डिले हो चुके हैं पेपर लीक की वजह से, अनफेयर वेल प्रैक्टिसेस की वजह से। तो आज सुन लो, अब नया लॉ लोकसभा में पास हो चुका है और जल्द ही राज्यसभा पास होने के बाद प्रेजिडेंट असेंट मिल जाएगी, जिसमें पेपर लीक होने पर ये 15 ग्राउंड्स है जो बिल के सेक्शन 3 में ग्राउंड्स दे रखे हैं, 15 ग्राउंड्स है जिसमें अगर कोई फंसा, ओएमआर शीट से कोई धांधली होती है, पेपर लीक से कोई धांधली होती है, क्योंकि बहुत बड़ा नेक्सस है, आपको फेक बना दिया जाता है एडमिट कार्ड, आपको फेक आईडी दी जाती हैं, या आपकी सिटिंग अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाता है, टीचर्स हेल्प करते हैं, तो ऐसा एग्जामिनेशन करने वालों पर, ऐसी नेक्सस पर 1 करोड़ तक का जुर्माना है और 3 से 5 साल की जेल का प्रावधान है इस एक्ट में। लेकिन अब सुन लो, स्टूडेंट्स पर यह नहीं लागू होगा। कैंडिडेट चाहे सिटिंग अरेंजमेंट से छेड़छाड़ में इंक्लूडेड हो, लेकिन ये सेक्शन सिर्फ चीटिंग कराने वाले इंस्टीट्यूट पर लागू होगा। कैंडिडेट पर अगर चीटिंग करते हैं, लेट्स सपोज यूपीएससी में, तो यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराने वाली अथॉरिटी उन्हें पनिश करेगी। आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में चीटिंग करते हैं तो वो अथॉरिटी, आपके कॉलेज अथॉरिटी, आपकी यूनिवर्सिटी अथॉरिटी जैसे एग्जाम कैंसिल कर देती है, तो ये सभी, आपके स्टेट का कोई अलग लॉ बना हो तो वो लॉ रहेंगे। ये सिर्फ जो नया बिल जो जल्दी एक्ट बन जाएगा, पारित हो जाएगा।